हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम .com। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ मुद्रा स्कीम। छोटा सा टॉपिक है, 5 से 7 मिनट में कवर होगा। गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं RRB स्केल 2 स्केल 3 एग्जाम्स के लिए। पिछले कुछ एग्जाम्स में मुद्रा लोन हो गया आपका, किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, जनधन योजना हो गई, राइट, कुछ इंश्योरेंस स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की या पेंशन स्कीम्स हैं, PPF जैसे टॉपिक्स हैं, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, राइट, बार बार रिपीट होते हैं। एंड इसको 5 से 10 मिनट में ईच टॉपिक को कवर किया जा सकता है। दैट इज़ व्हाट व्हाई आई एम डूइंग दिस सीरीज़। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुद्रा योजना की ज़रूरत क्या पड़ गई, क्यों इनैक्ट हुआ इन 2014 जब मोदी गवर्नमेंट आई, राइट, एक गोल था पॉवर्टी एलिवेशन का, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का आम जनता को, आम जनता के लिए आई थी ना गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करना पॉसिबल ही नहीं है सरकार के लिए, सबको गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सरकार क्या चाहती थी कि जो जनता है वो छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करे अपने, ठीक है, छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करे, जैसे जैसे उनका बिजनेस बढ़ता है वो और लोन लें, ठीक है, उसके बाद उनका बिजनेस जिस तरह की उनकी स्किल सेट है, जिनकी काबिलियत है, वो अपना बिजनेस बड़ा करें, इस तरह से वो पूरी इकॉनमी को भी हेल्प करें और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, इस तरह से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी जाए, ठीक है। बड़े बड़े कॉरपोरेट कितनी ही एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे, एट द एंड ऑफ द डे जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उसी में से ही जो है इक्वालिटी लाई जा सकती है इंडिया में, इकोनॉमिक इनकम इक्वालिटी, राइट, वो लाई जा सकती है। तो इस मंशा को रखते हुए, इस गोल को अपने ध्यान में रखते हुए मुद्रा स्कीम आई थी 2015 में। कब आई थी? 2015। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में ये योजना आई थी। सबसे पहले मुद्रा की फुल फॉर्म समझ लीजिए, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, राइट, ठीक है, एक नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये डायरेक्टली कस्टमर से डील नहीं करता है। ये जो मुद्रा है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसीज है, ये जो बैंक्स और NBFCs है इनको लोन प्रोवाइड करता है, और वो जो बैंक है वो जो फाइनल बॉरोवर है आपके और मेरे जैसे लोग, इनको लोन देता है बैंक अंडर मुद्रा स्कीम, ठीक है। छोटे लोन, छोटे से लोन, 10 लाख से कम वाले लोन, ठीक है, 3 कैटेगरीज हैं, आप आगे बताएंगे। 10 लाख से छोटे लोन कोलेटरल फ्री, बिना किसी कोलेटरल के जो है लोन दिए जाते हैं, विद मिनिमम पेपर वर्क, बहुत कम पेपर वर्क के साथ, बिना कोलेटरल के ये लोन प्रोवाइड करे जाते हैं। किसको प्रोवाइड करे जाते हैं? ये नॉन फार्म और नॉन कॉरपोरेट्स को दिए जाते हैं। छोटे लोन है ऑब्वियसली, कॉरपोरेट तो लेने आएगा नहीं 10 लाख से छोटे का लोन, और नॉन फार्म किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड और बहुत सारी स्कीम्स हैं, ये नॉन फार्म कैटेगरी के लिए है। ऑल्दो डेयरी इंडस्ट्री वाले जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं इस फैसिलिटी को, ठीक है, 10 लाख से छोटे वाले लोन हैं, ओके। पिछले 8 सालों में 35 करोड़ मुद्रा लोन बांटे जा चुके हैं, जिसमें से 23 करोड़ जो हैं वो फीमेल या वुमेन बेनिफिशरीज हैं, और ये डेटा रीसेंट जून 2022 का ही है, ठीक है। उसके बाद एक कंसर्न है इन लोन्स में, बिकॉज इसमें पेपर वर्क बहुत कम इन्वॉल्व है और कोलेटरल फ्री है, तो इसमें एक ये दिक्कत है कि NPA रेट बहुत ज़्यादा है। मुद्रा लोन्स में 11% का NPA रेट है, हाईएस्ट है, ठीक है, ये एक दिक्कत है। सो मुद्रा लोन को समझने के लिए सबसे पहले इसका रीपेमेंट पीरियड कितना है, 3 से 5 साल के भीतर ये लोन रीपे करना पड़ेगा, और मोरेटोरियम पीरियड प्रोवाइड किया जाता है 6 महीने का एक्स्ट्रा, और प्रोसेसिंग फीस ज़्यादातर बैंक जो हैं शिशु और किशोर में प्रोसेसिंग फीस है 0, और तरुण के लिए है 0.5। शिशु किशोर और तरुण क्या है ये अगली स्लाइड में आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। इंटरेस्ट लगेगा, बैंक जो है इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो आप कहेंगे कि फ़ायदा क्या है, लोन मिल रहा है। याद कीजिए, आज से 10 साल पहले एक रेडी वाले को लोन नहीं दिया जाता था बैंकों में, अब दिया जाता है। मुद्रा लोन की, मुद्रा जो है स्कीम के अंडर लोन मिलता है, पहले नहीं मिलता था। तो ये एक डिफरेंस है, ये एक फ़ायदा है कि मिल रहा है। 3 कैटेगरी हैं लोन्स की। शिशु सबसे पहली,
50,000 रुपये से अगर कम का लोन लेना है, इफ़ यू वॉन्ट टू टेक अ लोन विच इज़ ऑफ लेस देन 50,000 रुपीज़, सिंपली आप एक मशीनरी की कोटेशन देंगे, राइट, डिटेल्स ऑफ मशीनरी देंगे या जो भी इक्विपमेंट आपने परचेज करना है वो बताएंगे, अपना बेसिक एक आईडी प्रूफ वगैरह, आधार कार्ड देंगे एंड यू विल गेट द लोन 50,000 रुपीज़। दिस इज़ वॉट, दिस इज़ शिशु, प्लीज़ रिमेंबर द नेम शिशु। उसके बाद है किशोर, किशोर लोन 50,000 रुपये से लेके 5,00,000 रुपये तक के लोन, लेकिन कुछ एक रिक्वायरमेंट्स हैं, आप अपना बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं तब आप ले रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं लास्ट 6 मंथ्स ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट्स, ज़्यादातर बैंक 6 महीने की अकाउंट स्टेटमेंट्स मांगते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भी मांग लेते हैं अगर आपने भरी है तो, आपकी कोई एस्टिमेटेड बैलेंस शीट है वो मांग लेते हैं, उसके बाद आईडी प्रूफ, आपका आधार कार्ड एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ बिजनेस, अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो बिजनेस का एड्रेस प्रूफ, एंड मेक श्योर कि आपका कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्रिमिनल रिकॉर्ड वालों को लोन नहीं दिया जाता ये वाला। उसके बाद है आपका हो गया सबसे पहले शिशु, किशोर और तरुण, ठीक है, जो 5,00,000 रुपये से लेके 10,00,000 रुपये तक का लोन है वो तरुण कैटेगरी के अंडर आता है, जो भी किशोर कैटेगरी वाली रिक्वायरमेंट सी, डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट सी, वो यहाँ पे भी है, लेकिन एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, वो क्या है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से या खुद से आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे कि आप पैसों का करने के वाले हो, आपकी प्रोजेक्ट का एक कह लीजिए फ्यूचर एस्टीमेट क्या है, आप एक एस्टिमेट बना के बैंक को देंगे, बैंक उसे चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, अगर वो अप्रूव होता है आपको लोन मिलेगा, राइट। तो ये बेसिक एक गाइडलाइंस यही है स्कीम की। इसमें एग्ज़ाम में आने वाला टॉपिक क्या है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, ये डायरेक्टली लोन नहीं प्रोवाइड करता है, ये बेसिकली रीफाइनेंस करता है लोन्स को, ये पैसा देता है बैंकों को, और बैंक जो है पैसा देते हैं हमारे जैसे बॉरोवर्स को, हमारे और आपके जैसे छोटे छोटे बॉरोवर्स को, ठीक है। किन शर्तों पे दिए जाते हैं, आप नॉन फार्म और नॉन कॉरपोरेट्स को ये लोन दिए जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट मैं आपको सारी बता चुका हूँ, एंड 3 तरह के लोन हैं, उनके नाम याद रखिए, शिशु, किशोर और तरुण, ठीक है, ये इसके आप नाम याद रखिए। एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स ये नाम ही पूछे जाते हैं, ये स्टार्ट कब हुआ था, नाम क्या है, ठीक है, तीनों के, और उसका जो लोन का लिमिट कितना है, ज़्यादातर यही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाता। अगर इन द फ्यूचर कोई अपडेट आता है, कोई RBI का गाइडलाइन आता है रिलेटेड टू दिस स्कीम, आई नोटिफाई यू इन द कोर्स। सो वी What we do is, we do a proper course for IBPS RRB Scale 2 and Scale 3 on a dashboard. आप bankexamstudy.com पे जाइए या आप नीचे नीचे आप अपना description में देखिए, you'll get the link to the complete course जिसमें हम अपनी सारी की सारी research provide करते हैं। We are doing the research from last 8 years, right? 8 सालों से हम Scale 2, Scale 3 की तैयारी करवा रहे हैं, हमारी सारी टीम तैयारी करवाती है, पूरा research करके हम provide करते हैं। जस्ट गो थ्रू द डेमो कॉन्टेंट जो अवेलेबल है bankexamstudy.com पे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, एंड नीचे कॉमेंट सेक्शंस में आप अपने डाउट्स भी डाल सकते हो। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, प्लीज़ क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द लाइक बटन एज वेल, अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे, बाय बाय।